नमस्कार दोस्तों, आपको मेरे YouTube चैनल में फिर से स्वागत है जिसका नाम है बाय सेल सिग्नल सॉफ्टवेयर। अगर आप शेयर मार्केट में काम करते हैं, लॉस से परेशान हैं, या फिर आप जितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं उतना रिटर्न आपको नहीं मिल रहा है, तो थोड़ा सा टाइम निकाल के मेरे वीडियो को देख लीजिए, शायद आपके लिए कुछ बेनिफिट हो सकता है। आज को मैं बैंक निफ्टी फ्यूचर का ऊपर बेस करके वीडियो बनाने जा रहा हूँ, और इस वीडियो में मैं स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करूंगा जो मार्केट में कॉल कैसे बनता है, कैसे आप एक स्ट्रॉन्ग कॉल को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, कैसे आप फेक कॉल से बच सकते हैं, एज वेल एज एंट्री लेने का साथ साथ आपको एग्जिट कहां पर करना है। देखिए, हम लोग एंट्री तो ले लेते हैं बट सही जगह पे मार्केट को छोड़ नहीं पाते। मैक्सिमम टाइम क्या होता है, हम लोग एक छोटा प्रॉफिट लेके जल्दी निकल जाते हैं और उसका बाद देखते हैं मार्केट लंबा रैली देखेंगे, तो रैली अक्सर हम लोग का हाथ से छूट जाता है। और कभी कभार ये उल्टा भी होता है, जो थोड़ा सा ज्यादा वेट करने का चक्कर में हाथ में जो भी पैसा आ रहा था वो भी हाथ से निकल जाता है, तो दोनों तरफ ही फंसते हैं। रीजन एक ही है जो हम लोग सही जगह पे मार्केट को छोड़ नहीं पाते। तो इस वीडियो में मैं सारा चीज को एक्सप्लेन करूंगा, वीडियो के अंत तक जरूर देखिए, काफी सारा नॉलेज आपको मिलने वाला है। तो एज ए एग्जाम्पल, अभी आपका सामने बैंक निफ्टी फ्यूचर का चार्ट लगाया हुआ है, तो यहाँ पर हर एक इंडिकेटर का कुछ ना कुछ रोल प्ले कर रहा है। तो मैं यहाँ पर वेट करूंगा कोई फ्रेश कॉल के लिए, जो फ्रेश कॉल बनता कैसे है और उस टाइम आपको क्या क्या चीज देखना चाहिए। देखिए, अभी भी मार्केट उसी जगह पे सेम लोकेशन पे घूम रहा है, ना ही नीचे का तरफ जा रहा है ना ही ऊपर का तरफ जा रहा है, मार्केट साइडवेज चल रहा है। तो ट्रेडिंग में सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट जो चीज होता है वो है पेशेंस रखना। मैक्सिमम ट्रेडर को मैं देखता हूँ, मार्केट ओपन होते ही उसको लगता है कहीं ना कहीं उसको ट्रेड कर लेना है, नहीं तो हाथ से पैसा निकल जाएगा। तो ये बहुत ही गलत फहमी है। ट्रेडिंग का मतलब ही होता है आपको अपॉर्चुनिटी, जब तक अपॉर्चुनिटी नहीं बनेगा तब तक तो ट्रेड नहीं करना है। देखिए, 9:15 से लेके 11:15 तक बैंक निफ्टी सेम जगह पे घूम रहा था, तो यहां पर कोई मोमेंटम क्रिएट नहीं हुआ। फर्स्ट यहां पर ये जो रेड कलर का एरो आपको दिख रहा है, ये सेल का कॉल है, और जब भी कोई सिग्नल बनेगा आपका स्क्रीन के ऊपर इस टाइप का पॉपअप मैसेज आ जाएगा साउंड का साथ, तो हम लोग को कॉल ढूंढने का जरूरत नहीं है। जब भी कोई कॉल बनेगा ऐसा मैसेज आ जाएगा, जब तक एक मैसेज बॉक्स को आप देख नहीं लेंगे, इसको क्लोज नहीं करेंगे, तब तक ये जाएगा भी नहीं। सपोज मैं अभी इसको क्लोज कर देता हूँ, जैसे सेल का कॉल बना, देखिए लेफ्ट हैंड साइड में आपको रेड कलर का एक बॉक्स दिखाई दे रहा है, उसमें उसका डिटेल्स आ गया, जो कौन सा वैल्यू में कॉल मिला है, उसका टारगेट क्या है, स्टॉप लॉस क्या है, ईच एंड एवरीथिंग। बट मैं बार बार एक ही चीज बोलूंगा, इस बॉक्स का तरफ ध्यान देने का जरूरत नहीं है, क्योंकि टारगेट बोल के कोई चीज नहीं होता, ये एक एजुम्पशन है। मार्केट कितना मूवमेंट करेगा नोबडी नोस, बट ऑब्वियसली एंट्री लेने का पहले हम लोग को कुछ चीज को देख लेना है। जैसे ये जो सेल का कॉल बना है 11:15 पे, अब क्वेश्चन ये है जो क्या ये कॉल सही है, इसमें ट्रेड करे या ना करे। एंट्री लेने का पहले ट्रेडर को तीन चीज देखना है, एक है सेलिंग का टाइम, नीचे का रिबन का कलर क्या है। अगर नीचे का रिबन का कलर रेड है, इसका मतलब ऑलरेडी मार्केट में सेलर स्ट्रांग है, तो ये आपका पहला कंडीशन। दूसरा है सेल का कॉल का पहले एक स्टार बनेगा रेड कलर का। तीसरा एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन होता है नीचे का ब्रिक्स वाला इंडिकेटर, जिसका कलर को रेड होना चाहिए और ये व्हाइट का नीचे होना चाहिए। अगर ये तीन कंडीशन मैच होता है तभी जाके इस कॉल को हम लोग स्ट्रॉन्ग कॉल बोलेंगे, अदरवाइज नॉट। तो मैं और एक बार रिपीट कर देता हूँ, जब भी कोई सिग्नल बनेगा नोटिफिकेशन मिल जाएगा, बट एंट्री लेने का पहले आपको तीन चीज देखना है। सेलिंग में रेड स्टार होगा, बाइंग में ग्रीन स्टार, सेलिंग में नीचे का रिबन रेड होगा, बाइंग में ग्रीन होगा, और सेलिंग में ये जो रेड वाला ब्रिक्स दिखाई दे रहा है वो रेड कलर पे व्हाइट का नीचे है, बाइंग में वो ग्रीन कलर पे व्हाइट का ऊपर रहेगा। अगर ये तीन कंडीशन मैच है तभी किसी कॉल को आप स्ट्रॉन्ग कॉल बोलेंगे, अदर्स नॉट। तो चलिए, कंडीशन के हिसाब से कॉल सही था, आप लोग एंट्री ले लिए। अब एंट्री लेने के बाद टारगेट क्या होगा या मुझे निकलना कब है, देखिए टारगेट का एक बेसिक आइडिया आप सपोर्ट एंड ब्रेकडाउन जोन को देखते हुए ले सकते हैं। ये जो रेड डॉटेड लाइन है ये सपोर्ट लाइन है, ये सपोर्ट लाइन आपको अंदाजा दे रहा है जो मार्केट कितना गिर सकता है, और उसका भी नीचे एक व्हाइट कलर का डॉटेड लाइन दिख रहा है जिसे ब्रेकडाउन कहते हैं। तो ये दो लेवल सेलिंग का लेवल होता है, तो ये दो लेवल को देखते हुए आपको एक आइडिया मिल सकता है जो हाँ कितना मार्केट मूवमेंट कर सकता है। बट मार्केट उतना ही मूवमेंट करेगा, उससे ज्यादा नहीं करेगा, नॉट लाइक दैट, उससे ज्यादा भी कर सकता है, उससे कम भी कर सकता है। देखिए, देखते देखते मार्केट इतना नीचे गिर गया, ब्रेकडाउन जोन को भी टच कर दिया, यहाँ पर 290 पॉइंट का मुझे प्रॉफिट भी मिल रहा है, बट अभी भी मैं इस सेल का कॉल में कंटिन्यू कर सकता हूँ, क्योंकि मेरा नीचे वाला जो ब्रिक्स इंडिकेटर है वो अभी भी मुझे एग्जिट नहीं कराया है। तो देखते देखते देखिए, अभी मैं मार्केट का लाइव सिचुएशन में आ गया हूं, अभी 1 बज का टाइमिंग हो रहा है, और अभी भी नीचे का जो ब्रेक्स इंडिकेटर है ये व्हाइट का नीचे मूव कर रहा है, व्हाइट का ऊपर मूव नहीं कर रहा है। तो जब तक ब्रिक्स वाला इंडिकेटर व्हाइट का ऊपर नहीं जाता है तब तक ये सेल का कॉल आपके लिए कंफर्म है। तो अभी तक मैं देखिए लगभग 300 पॉइंट बैंक निफ्टी फ्यूचर में प्रॉफिट बना लिया हूं। अगर ऑप्शन ट्रेडर है तो यहां पर पुट बाय करके भी पैसा बना सकते हैं, फ्यूचर को चार्ट को देखते हुए भी काम कर सकते हैं, या आप हम लोग का सॉफ्टवेयर में डायरेक्टली ऑप्शन का चार्ट को भी लगा सकते हैं। तो लॉजिक बहुत ही सिंपल है, दिन में एक ना एक बार मार्केट मौका जरूर देता है, आपको सही वक्त के लिए वेट करना है। जैसे देखिए 11:15 पे ये सेलिंग का कॉल मिला है और ये अभी तक मुझे लगभग 300 पॉइंट का प्रॉफिट दे चुका है, अभी भी ये एग्जिट नहीं करा है, तो मुझे वेट करना है कभी ब्रिक्स इंडिकेटर व्हाइट को तोड़ के ऊपर चला जाएगा,
या फिर मिडिल में जो दो पिंक लाइन दिखाई दे रहा है जो आपस में क्रॉसओवर होकर उसका कलर ग्रीन हो जाएगा, वहां पर भी आप अपना पोजिशन को छोड़ सकते हैं। तो थैंक यू सो मच। वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करके बोलिएगा। अच्छा लगने से लाइक शेयर जरूर कीजिए। फर्स्ट टाइम चैनल को देख रहे हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए, नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि इस तरह का वीडियो आपको मिलता रहे। एंड मन में कोई भी डाउट या क्वेरीज आप दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, लाइव डेमो के लिए भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आप न्यू हैं, अकाउंट ओपन करना चाहते हैं या हम लोग का थ्रू ज्वाइन होना चाहते हैं, जैसा हम लोग एलेक्स ब्रोकर के साथ काम करते हैं, काफी अच्छा ब्रोकर कंपनी है, काफी सारा फैसिलिटीज भी दे रहे हैं, स्पेशली अगर आप ऑप्शन ट्रेडर है तो ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए और भी अच्छा है। तो थैंक यू सो मच। वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करके बोलिए। और ये जो सॉफ्टवेयर है ये एकदम लाइव मार्केट में चलेगा, जैसा आपका रियल टाइम मार्केट चलता है वैसे ही जैसा आपको दिखाई दे रहा है अभी ये लाइव में 1:05 का टाइमिंग है। एलटीपी जैसा टर्मिनल में चलता है वैसे टिक बाई टिक चलेगा, सिग्नल बनेगा, पॉपअप मिलेगा, कंडीशन को प्रॉपरली देखना है, उसका बाद ही ट्रेड लेना है। थैंक यू।